अपने दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि अब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने हरी झंडी दिखा दी है। आज शाम को 6:04 पर ऐसी हम कामना करते हैं ईश्वर से कि सफलतापूर्वक जो विक्रम लैंडर है वो चांद की धरती को छुएगा, चांद की धरती पर उतरेगा। प्रणय आप बने रहिए, मैं शिवांगी का भी रुख करना चाहूंगी। शिवांगी इस समय एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां तैयारियां पूरी हैं और लोगों तक ये जो लाइव तस्वीरें हैं, ये जो लैंडिंग का सफल प्रोसेस आज भारत जिस नई ऊंचाई को छूने जा रहा है उसको दिखाने की तैयारी है। शिवांगी देखिए शोभना, आज वाकई बहुत बड़ा दिन है और बस कुछ ही समय बचा है क्योंकि देखिए इंतजार जिस बात का हो रहा था आज वो मिशन पूरा हो गया। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस वक्त। देखिए नेहरू तारामंडल में यहाँ पर खचाखच भीड़ है, दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और कई व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई है। जो तमाम बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और चंद्रयान 3 को लेकर जो जानकारी है वो एक छोटी सी फिल्म भी यहाँ पर बनाई गई है जो बच्चों को दिखाई जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जब ये लैंडिंग होगा तब लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर भी दिखाई जाएगी और न सिर्फ इस सेंटर में बल्कि ऐसे तमाम सेंटर्स बनाए गए हैं सरकार की ओर से भी जहाँ पर लोगों को दिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं टिकट काउंटर पर। हम आपको एक बार तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और बच्चों से जब हम बातचीत करते हैं तो बच्चों में साफ तौर पर उत्साह देखने को मिलता है और आप यकीन मानिए कि जितने भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं जब हम उनसे बातचीत करते हैं चंद्रयान के बारे में पूछते हैं कि आखिर आज क्या होने वाला है तो हर किसी को इस मिशन के बारे में जानकारी है तो हर कोई दिलचस्पी ले रहा है, हर कोई अपनी ओर से बता रहा है कि वो स्पेस के बारे में कितना जानता है, चंद्रयान के बारे में कितना जानता है। और अभी यहाँ पर एक शो और होगा। देखिए बच्चे अब आने शुरू हो गए, तस्वीरों में देखिए छोटे छोटे बच्चे, जरा कुछ बच्चों से भी बातचीत करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि सबको यहाँ पर टिकट लेना अनिवार्य है, टिकट लेकर ही अंदर जा सकते हैं और ये परिवार के लोग हैं तमाम लोग यहाँ पर जो अंदर जा रहे हैं। आज यहाँ क्यों पहुँचे हैं आप यहाँ क्यों पहुँचे हैं? कोई की यहाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है तो आप देखने के लिए आए हैं? हाँ जी। कितने एक्साइटेड हैं आप? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। आप बताओ आप यहाँ क्यों आए? देखने के लिए आए, वो चंद्रयान देखने आए। देखिए जब लाइव स्ट्रीमिंग होगी बिल्कुल बिल्कुल शिवांगी, देखिए जिस समय माता पिता की भी ये कोशिश होती है कि अपने बच्चों को आज इतिहास रचने जा रहा है भारत और उम्मीदों का जो चंद्रयान है 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का चंद्रयान आज लैंड करने जा रहा है तो माता पिता की भी कोशिश है कि बच्चों को इस ऐतिहासिक पल को लाइव दिखाया जाए। बनी रहिए शिवांगी। सचिन भामा जी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सचिन भामा जी, ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस को लॉक कर दिया गया है जी। ये खबर जो है बहुत बढ़िया खबर है। मैं थोड़ा इस माहौल के अंदाज में कहूँ तो धरती माँ की जो राखी है वो अपने भाई तक पहुँचने वाली है और विक्रम जो है लैंडर वो आगे जाएगा। मैं भी अभी अपने सोर्सों से पता कर रहा हूँ क्योंकि अगर ये सीक्वेंस लॉक कर दी गई है तो हम आज पक्का लैंड कर रहे हैं और शायद हम पहला ऐसा चैनल हैं जो ये अनाउंस कर रहे हैं। सो यू नो बहुत बढ़िया खबर आपने दी है और मुझे लगता है सुबह से जो सब लोगों की दुआएं, जो प्रेयर्स और जो सब जगह लोग दुआ कर रहे थे वो पूरी होने वाली है और भारत वो देश बनने जा रहा है जो पोलर रीजन में, साउथ पोलर रीजन में पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रहा है। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ दिया आपने, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल ठीक है सचिन जी, आप बने रहिए। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ सचिन भामा जी लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। सचिन भामा जी स्पेस एस्ट्रोनॉमर हैं और लगातार जो हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं वो पल पल का सबसे पहला अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट है। मैंने जैसा कि आपसे जिक्र भी किया कि प्रणय उपाध्याय जो हैं वो कमांड सेंटर पर मौजूद हैं और उन्होंने जानकारी दे दी है हमें कि ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस को लॉक कर दिया गया है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद। Z News।